नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं 3 लौंग का खतरनाक टोटका। 2 घंटे में स्त्री आपका प्यार में बसीभूत हो जाएगी। 2 घंटे में स्त्री जो है आपका प्यार में दीवानी बन जाएगी। ये 3 लौंग का बहुत ही खतरनाक टोटके मैं बताने जा रहा हूँ। इस टोटके के द्वारा आप किसी भी मनचाही स्त्री को, किसी भी मनचाही औरत को पल भर में आप उसे दीवाना बना सकते हैं। पल भर में आप उसको वशीकरण कर सकते हैं। ये वशीकरण टोटका बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चमत्कारी अनोखा वशीकरण टोटके है। इस वशीकरण टोटके के द्वारा आप कितनों भी घमंडी स्त्री को अपने प्यार में बसीभूत कर सकते हैं। आप उसे वशीकरण करके उसे आप अपनी दीवानी बना करके जिंदगी भर तक जो है वो आपका गुलामी करेगी। ये इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल वशीकरण टोटके है। आप सभी जानते हैं कि लॉन्ग्स के द्वारा बहुत ही तंत्र मंत्र टोने टोटके, खतरनाक टोटके की जाती है। तो आज मैं तांत्रिक विद्या के अनुसार 3 लौंग की एक ऐसी खतरनाक टोटके बताने जा रहा हूँ। इस टोटके को अगर आप प्रयोग कर देते हैं तो इसकी कोई काट नहीं है और न इसकी कोई तोड़ है। और एक बार वशीकरण कर दीजिएगा तो दोबारा उस वशीकरण को कोई तोड़ नहीं सकता है और न उसको कोई काट कर सकता है। बिना खिलाए पिलाए, बिना कुछ किए हुए आप घर बैठे किसी को भी स्त्री को जो है आप अपने प्यार में उसे तड़पा सकते हैं। आप उसे अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं। आखिर 3 लौंग के टोटके को कैसे करना है और इस खतरनाक टोटके का प्रयोग किस समय करना है, किस टाइम में करना है, मैं पूरी तरह से विधि आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जा करके जय माँ कामाख्या जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, आज जो वशीकरण टोटके बताने जा रहा हूँ, ये तंत्र विद्या का, लाल किताब का बहुत ही शक्तिशाली टोटके है। लौंग के द्वारा भूत प्रेत भगाने के साथ साथ माता रानी को कृपा को पाने के लिए लौंग का जो है आपका पूजा पाठ में माता भगवती के पास में लौंग को चढ़ाया जाता है। हनुमान जी का बहुत प्रिय वस्तु लौंग है और उस लौंग में बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक गुण उसके अंदर में छिपी हुई रहती है। ऐसे तो लोग जो है, मनुष्य जो है, आम जीवन जो है, उस लौंग का प्रयोग हमेशा सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। घर में जो भी सब्जी बनते हैं, सब्जी में टेस्ट को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस सब्जी को जो भी इस्तेमाल करते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आज मैं लौंग के द्वारा इतनी शक्तिशाली, प्रभावशाली वशीकरण टोटके बताया जा रहा हूँ। इस टोटके को आप घर बैठे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आप हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मित्रों, इस क्रिया को करना है शनिवार के दिन में और नहीं तो मंगलवार के दिन में। शनिवार या मंगलवार के दिन में इस क्रिया को करना है और शनिवार या मंगलवार के दिन में रात के समय में 11 बजे के बाद आपको एकांत समय में इस क्रिया को करना है और उसमें मात्र 3 पीस लौंग का खेला होगा। 3 पीस लौंग को अगर आप रख लीजिएगा, और कैसे करना है, आपको लेना होगा एक छोटा सा कपूर। कपूर जो टिकिया वाला कपूर आता है वो कपूर भी ले सकते हैं, नहीं तो बड़ा चौड़ा को कपूर भी आता है उसको भी आप ले सकते हैं। तो उस कपूर के ऊपर में आप मन चाहे स्त्री का नाम, मन चाहे प्रेमिका का नाम, मन चाहे औरत का नाम आप उसके ऊपर में लिख दीजिएगा। नीचे में एक प्लस का चिन्ह और उसके नीचे में आप अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके ऊपर में थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर डाल दीजिएगा और लाल रंग का सिंदूर के साथ साथ में थोड़ा सा काली मिर्च, 2-4 पीस काली मिर्च, जिसको गोलकी बोलते हैं, 2-4 पीस काली मिर्च उसके अंदर में डाल दीजिएगा। और उसके ऊपर 3 पीस लौंग को आपको रख देना है और रखने के बाद में ये मंत्र आपको जाप करना है 108 बार। मंत्र आपको इस प्रकार बोलना है, बोलना ये है, ओम ऐं ह्रीं रक्त चामुंडा अमुकी इमाम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। ऐं ह्रीं रक्त चामुंडा अमुकी इमाम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। ऐं ह्रीं रक्त चामुंडा
अमुकी माम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा, जहां मैं अमुकी शब्द बता रहा हूं वहां पर उस स्त्री का नाम लेकर के 108 बार आपको बोल देना है, और बोल करके आपको सारे चीज को एक लाल रंग का कपड़ा में रख करके और उसको 7 गांठे लगा करके आपको चले जाना है। आपको किसी भी चौराहे पर रात के समय में किसी भी चौराहे पर चले जाइए, अन्यथा आपको कोई पीपल ब्रिज के नीचे या नीम का पेड़ के नीचे जाकर के उस स्त्री का नाम 7 बार लेकर के मन मन में आपको लेकर के आप उस पोटली को वहीं पर छोड़ दीजिएगा। बस इतना सा क्रिया कर दीजिए, एकदम 2 घंटा होते होते वो स्त्री के दिला दिमाग में आपका नाम का प्यार दौड़ने लगेगा। वो आपके बिना नहीं रह पाएगी, वो बहुत ही शक्तिशाली प्रभावी बसी कलर है, वो दौड़ करके आपके पास में आएगी। ये इस प्रयोग को जरूर करें, आपको सफलता मिलेगी इसी आशा उम्मीद के साथ। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता।